यथा संस्थानम आदि मत धर्म मात्रम शब्दादि नाम गुणानाम विनाश्य विनाशिनम एवं लिंगम आदिमत धर्म मात्रम सत्वादि नाम गुणानाम विनाश्य विनाशी नाम। कह रहे हैं जैसे संस्थानम आदिमत धर्म मात्रम, संस्थान संस्थान जैसे जो एक मूर्ति आदि है, अभिव्यक्ति है, उसी को ही संस्थान कहते हैं। तो ये जो संस्थान माने कार्य रूप जो भी है, किसी वस्तु का जो कार्य रूप है वो कैसा होता है, आदिमत, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, कहीं से तो शुरू हुआ। आदिमत धर्म मात्रम, आदि वाला, अनित्य, मतलब एक तरह से शब्दादि नाम गुणानाम विनाश्य विनाशी नाम। शब्दादि जो गुण है, आदि कहने से सारे आ जाएंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि। तो ये शब्दादि जो है, शब्दादि नाम गुणानाम, शब्दादि का आदिमत क्या है, तन्मात्राएं, पांच जो तन्मात्राएं हैं वो ही आदि में है इनके गुणों के। तो इनका विनाश्य विनाशी नाम, तस्मिन विकारे संज्ञा इति। तो ये जो गुण है और इनका जो आदि है तन्मात्राएं, तो जब ये कार्य रूप में आ जाते हैं, तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्राएं हैं, ये तो हो गए कारण रूप, और जब ये कार्य रूप में आएंगे तो पंचभूत बन जाएंगे त्रिगुण। तो यहाँ ये कह रहे हैं यथा संस्थानम आदिमत धर्म मात्रम शब्दादि नाम गुणानाम विनाश्य विनाशी नाम एवं लिंगम आदिमत धर्म मात्रम सत्वादि नाम। तो इसी प्रकार से लिंगम आदिमत धर्म मात्रम सत्वादि नाम, सत्वादि जो तीन गुण हैं इनका जो कार्य रूप है वो क्या है, सबसे पहला महतत्व, उसको ही लिंग मात्र कहते हैं। लिंगम आदि आदिमत धर्म मात्रम, ये जो लिंग मात्र है या जो महतत्व, महतत्व जो है जिसको लिंग मात्र कहते हैं, तो ये सबसे पहला धर्म है। आदिमत धर्म मात्रम सत्वादि नाम गुणानाम, सत्वादि जो तीन गुण हैं उनका विनाश्य विनाशी नाम, माने एक तरह से ये अपने कारण का नाश करके और फिर अभिव्यक्त होता है। जैसे बीज भी, बीज का अंकुर जो फूटता है तो उसका कारण है बीज, तो बीज का विनाश करके जैसे ये अभिव्यक्त होता है, बीज तो नष्ट हो ही जाता है ना। तो ऐसे ही ये जो तीन गुण है सत्वादि गुण, वो अपने कारण का विनाश करके फिर अभिव्यक्त होते हैं। तो विनाश्य विनाशी नाम, अपने कारण का विनाश करके, ये इस इन्हीं का विशेषण है, ये सत्वादियों का विनाश्य विनाशी नाम सत्वादी नाम गुणानाम। ऐसे अपने कारण का विनाश करके जो अभिव्यक्त होते हैं, तो इनको कैसे कहा है, लिंगम आदिमत धर्म मात्रम। ये जो लिंग मात्र है या जो महतत्व है, ये इसको धर्म मात्र कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इससे वियुक्त हो गई, त्रिगुण उसमें अन्वित तो है ही ना सभी कार्यों में। तो वो अपने कारण को नष्ट करके और उसको अन्वित रखते हुए भी इस रूप में अभिव्यक्त होते हैं त्रिगुण। तो ऐसे ही ये चित्त के गुण भी हैं, यही इनकी विचित्रता है। ऊपर कहा था ना, गुणी नित्यत्वेपि गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्। तो सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भी अपने ही कारण का नाश करके अभिव्यक्त होते हैं और फिर भी कारण जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सुनने में ऐसा लगता है ना। तो ये कह रहे हैं ऐसी ही इनकी विचित्रता है, गुणों का ऐसा ही है कि वो अपने कारण को एक रूप में विनाश करके फिर अभिव्यक्त होते हैं और जुड़े भी रहते हैं उससे, जैसे कि लिंग मात्र से लेकर पंचभूत पर्यंत सारे इसी तरह से हैं। तस्मिन विकार संज्ञा इति, तो कह रहे हैं वो जो होता है ना उसमें उसकी विकार संज्ञा कह दी जाती है। जैसे सत्वादि जो तीन गुण है उनका विकार क्या हो गया, लिंग मात्र महतत्व, फिर महतत्व का विकार क्या हो गया, और अहंकार के विकार फिर
आगे पंचभूत तक ऐसे चलते जाएंगे। तस्मिन् विकार संज्ञा इति तत्र इदम् उदाहरणम्। मृत धर्मे पिंडाकार धर्मात् धर्मांतरम उपसंपद्यमानो धर्मतः परिणमते घटाकार इति। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, तत्र इदम् उदाहरणम्। मृत धर्मी पिंडाकारात्, ये जो मिट्टी का पिंड है ये पिंडाकारात् धर्मात् धर्मांतरम उपसंपद्यमानो धर्मतः परिणमते घटाकार इति। पहले मृदाकार, मृदाकार से पिंडाकार, पिंडाकार से घटाकार, तो अपना जो कारण था उसका विनाश करके अभिव्यक्त होता जाता है, लेकिन फिर भी मूल कारण जो मिट्टी है वो अन्वित रहता है, सर्वथा मिट्टी से अलग नहीं हो जाता है। घटाकारो अनागतम लक्षणम हित्वा वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यत इति। और बोलिए जो घटाकार है ये पहले किस अवस्था में था? अनागत अवस्था में था, और ये अपनी अनागत अवस्था को छोड़ करके वर्तमान लक्षण को प्रतिपद्यते प्राप्त हो जाता है। इति लक्षणतः परिणमते, तो इस प्रकार से इन लक्षणों में परिणाम होता है। जैसे हमारे अंदर इस समय जो ऋषि धर्म है वो किस अवस्था में है? अनागत अवस्था में है। तो किसी दिन वो अपनी अनागत अवस्था को छोड़ करके वर्तमान अवस्था में अभिव्यक्त हो जाएगा। घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यत इति। जैसे घड़ा है, नया घड़ा जो है वो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन, नूतनता को और पुराणता को प्रतिक्षण अनुभव करता हुआ, जब मैंने जैसे अभी अभी तो बनाया तो अभी तो नया है ना, लेकिन एक क्षण पुराना हो गया अभी भी वो नया होते ही, तो इस समय ये नूतनता को भी महसूस कर रहा है और पुराणता को भी, बनाते ही एक क्षण पुराना हो गया अगले ही क्षण में, और ऐसे थोड़ा थोड़ा नयापन घटता जाता है, थोड़ा थोड़ा पुरानापन का उद्भव होता जाता है एक साथ। नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते, तो ऐसे ये नया घड़ा पुराणता का अनुभव करता हुआ उस अवस्था को अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते, अवस्था परिणाम को प्राप्त हो जाता है, उसकी नूतन अवस्था है वो परिणमित हो जाती है और पुराणता प्राप्त हो जाती है। धर्मिणो अपि धर्मांतर अवस्था, धर्मस्य अपि लक्षणांतरम अवस्था इति एक एव द्रव्य परिणामो भेदेन उपदर्शित इति। तो कह रहे हैं ऐसे ही ये जो धर्मी है चित्त, धर्मिणो अपि धर्मांतर अवस्था, ये चित्त, ये कोई भी धर्मी जो है वो धर्मांतर अवस्था वाला होता है, माने उसके धर्मों की अवस्था है वो चेंज होती रहती है किसी भी धर्मी के। धर्मस्य अपि लक्षणांतरम अवस्था इति, और जो धर्म है उनमें भी लक्षणांतर अवस्था, लक्षण परिणाम होते रहते हैं, अवस्था परिणाम होते हैं धर्मों में भी। तो कह रहे हैं ऐसे एक एव द्रव्य परिणामो भेदेन उपदर्शित, तो वास्तव में एक ही जो द्रव्य होता है, धर्मी होता है, वो धर्म लक्षण और अवस्था इन परिणामों के भेद से उपदर्शित है, यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ धर्मी के रूप में लिया गया है चित्त को। और ऐसे चित्त की तरह प्रत्येक धर्मी अपने धर्मों की अवस्था के, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम के कारण वो परिणमित होता ही रहता है, सभी धर्मी सभी पदार्थ। एवं पदार्थांतरेषु अपि योज्यम इति, तो जैसे हमने यहाँ चित्त के बारे में बताया ऐसे ही ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम सभी पदार्थों में भी आपको जोड़ लेने चाहिए। त एते धर्म लक्षण अवस्था परिणामा धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता इति एक एव परिणाम। और फिर दोबारा वो उसी बात को कह रहे हैं कि ये जो तीनों परिणाम थे धर्म लक्षण अवस्था परिणामा, ते एते ये तीनों परिणाम धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता, धर्मी के स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करते हैं, इसलिए इति एक एव परिणाम, तो इसलिए एक ही परिणाम कह दिया जाता है स्थूल रूप से, कि भाई इसका तो चित्त
बदलता रहता है, ऐसे कह देते हैं ना, या खुद का भी कह सकते हैं हम कि हमारा चित्त बदलता रहता है। तो वास्तव में चित्त तो बदलता नहीं है, चित्त के धर्म बदलते हैं। तो उन धर्मों के परिवर्तन के कारण वास्तव में, ऊपर भी तो बताया था ना, वस्तुतः ये किस में परिवर्तन हो रहा है, एक में ही हो रहा है, चित्त में ही। तो इसलिए कभी कभी ऐसे भी कह दिया जाता है, एक एव परिणाम है, सर्वान अमून विशेषान अभिप्लवते। बोले ये जो सारे धर्म हैं, इन सब विशेष धर्मों को अभिप्लवते, प्राप्त होता रहता है। अथ कोयम परिणाम, ये ठीक इन्होंने पूछा सारे परिणाम बताने के बाद, तो बोले ये क्या है ये परिणाम, तो एक शब्द में बताओ, आपने तो बहुत इसको लंबा चौड़ा कर दिया, अब ये बताओ कि परिणाम है क्या। तो इसका एक ही पंक्ति में उत्तर दे रहे हैं, अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्म निवृत्तौ धर्मांतरोत्पत्ति ही परिणाम। हाँ, तो ये परिणाम की सरल व्याख्या कर दी इन्होंने कि जो भी अवस्थित द्रव्य है अपने पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर और दूसरे धर्मांतर की उत्पत्ति होना, यही परिणाम है। तो इतनी छोटी सी बात को कितना इन्होंने दो पेज में बताया है। तो ये हो गए आपके तीन परिणाम, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। आगे कह रहे हैं फिर, तत्र उस प्रसंग में, अब ये धर्मी क्या है वो बता रहे हैं, शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। तो कह रहे हैं कि धर्मी क्या है, शांत, शांत मतलब अतीत, और उदित वर्तमान, और अव्यपदेश अनागत। तो ये तीन धर्म बताए ना पीछे, अतीत वर्तमान अनागत, इन धर्मों में धर्मानुपाती, इन धर्मों में अनुपतित होने वाला, इनमें रहने वाला, अनुगत रहने वाला धर्मी। कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी धर्मी होता है। योग्यता व छिन्ना धर्मिण शक्ति रेव धर्म। बोले ये धर्म क्या है, तो उसको खोल रहे हैं, योग्यता व छिन्ना माने अपनी उस धर्मी की योग्यता से अवच्छिन्ना अवधारित, धर्मिण शक्ति एव धर्म, इस धर्मी की अपनी जो अवधारित शक्ति है उसी को धर्म कह दिया जाता है। सच फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव एकस्य अन्यस्य परिदृष्टः। और वो धर्म सच, वह धर्म फल प्रसव भेदानुमित, कार्य की उत्पत्ति के भेद से, फल प्रसव भेद अनुमित, उसके फल, फल मतलब कार्य, वो धर्म, धर्म का कार्य, उस धर्म का फल मतलब वो कार्य, कार्य के प्रसव से, प्रसव माने उत्पत्ति से, प्रसव भेदा अनुमित, उत्पत्ति के भेद से अनुमित होता है, ज्ञेय होता है। सद्भाव उसकी सत्ता, एकस्य अन्यो अन्यश्च परिदृष्टः। तो धर्मी तो एक ही होता है और उसके धर्म अन्य अन्य देखे जाते हैं, भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। तत्र वर्तमान स्वव्यापारम अनुभवन धर्मो धर्मांतरेभ्य शांतेभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च भिद्यते। तो उसी बात को कह रहे हैं, अभी धर्मी को लेकर के कह रहे हैं। तत्र उस धर्मी में वर्तमान स्वव्यापारम अनुभवन, ये जो धर्मी है ये अपने वर्तमान के स्वव्यापार का अनुभव करता हुआ, धर्मांतरेभ्य शांतेभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च भिद्यते। शांत और अव्यपदेश माने अतीत और अनागत, इन धर्मों से ये अलग हो जाता है। जैसे वहां धर्म की बात कह रहे थे, वहीं यहाँ धर्मी की कह रहे हैं। ये धर्मी अपने किसी भी वर्तमान धर्म को लेकर के बाकी दो से, अतीत और अनागत से भिन्न हो जाता है। तो हम कह देते हैं कि चित्त इस समय क्या है, निरोध क्षण अन्वित है। तो इस समय ये निरोध के अतीत में नहीं है, निरोध के अनागत में नहीं है। तो अतीत को यहाँ पर शांत कह दिया और अनागत को यहाँ पर अव्यपदेश कह दिया, तो उनसे भिन्न है ये। यदा तो सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात् कोसौ केन भिद्यते।
कह रहे हैं यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति, जब सामान्य रूप से तो उन धर्मों से भी ये समन्वागत रहता ही है चित्त, तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, तो तब ये जो धर्मी है ये स्व स्वरूप मात्रत्वात् कोऽसौ केन भिद्यते, माने तब तब ये धर्मी है ही कौन और किससे भिन्न होगा। यदि सारे ही धर्मों का समन्वय इसमें मान लें और किसी एक को उन दो से अलग ना करें, तो फिर ये जो धर्मी है ये कौन है, फिर तो धर्म ही धर्मी हो गए ना। तो कह रहे हैं तब तो कौन किससे भिन्न होगा। यदा तो सामान्य न समन्वागतो भवति तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, सामान्य रूप से तो तीनों ही जुड़े हुए हैं, भेद कौन करता है, कोई विशेष उदार अवस्था वाला ही तो भेद करता है। जब तीनों ही सामान्य रूप में है तो वो तो धर्मी का स्वरूप ही है, ये सामान्य रूप से तो तीनों ही प्रकार के लक्षण या धर्म उसमें रहते ही है ना, तो तब तो ये धर्मी इसको को किससे अलग किया जाए, ये तो इसका अपना ही स्वरूप हो गया, सामान्य रूप से तो तीनों रहते ही हैं उसमें। यदा तो सामान्य न समन्वागतो भवति धर्मी तदा स्वरूप मात्रत्वात् कोसौ केन भिद्यते, तब कौन भिन्न हो और किससे भिन्न हो। तो भिन्न तो तभी होगा जब कोई एक उदार अवस्था हो, तो इसलिए कह रहे हैं तत्र त्रय खलु धर्मिणो धर्मा, इसलिए धर्मी के तीन धर्म बताए, शांता उदिता अव्यपदेशाश्च, तो ये अब उसको अलग कर देंगे। तत्र शांता, शांत किसको कहते हैं, ये कृत्वा व्यापारा व्यापारान उपरताः, शांत धर्म वो हैं जो अपने व्यापार को करके उपरत हो गए हैं, और सव्यापारा उदिताः, उदित वर्तमान धर्म कौन से हैं, जो सव्यापारा जो अभी व्यापार में है, और तेज अनागतस्य लक्षणस्य समानांतरा, और ये जो अभी वर्तमान में है जो सव्यापार धर्म है उदित धर्म है वे अनागतस्य लक्षणस्य समानांतरा, अनागत लक्षण के वो समानांतर हैं, समानांतर माने ठीक बाद वाले, तो अनागत के बाद कौन आएगा, वर्तमान, तो ये जो वर्तमान वाले हैं ये अतीत के ठीक बाद में आने वाले हैं, समानांतरा। वर्तमानस्य अनंतरा अतीतः, और वर्तमान के ठीक बाद आने वाले कौन से हैं, अतीत, वर्तमान के बाद वस्तु कहाँ जाएगी, अपने व्यापार को करके फिर शांत हो जाएगी, तो उसको अतीत कह दिया। किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति, तो बोले अतीत के बाद भी आने वाला कोई होना चाहिए ना फिर, तो वो क्यों नहीं बताया, अतीत के बाद आने वाला क्या है, तो अतीत के बाद वर्तमान क्यों नहीं आता है। किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमानाः, अतीत के बाद फिर वर्तमान क्यों नहीं आता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, पूर्व पश्चिमतायाः अभावात्, क्योंकि इसमें अतीत में पूर्व पश्चिमता का अभाव होने से है। जमीन और आसमान का भेद ऐसे बोलना चाह रहे हैं ना। नहीं, जमीन आसमान का भेद नहीं करें, पूर्व परता नहीं है ना, जैसे अनागत है तो उसमें तो जैसे वर्तमान है उसमें पूर्व परता है, पहले वो अनागत में थी फिर ये वर्तमान में आ गई, वर्तमान में आके अतीत में हुई, पर अतीत के बाद तो अतीत तो नाम ही उसका है कि अब खत्म, जो अतीत हो गए वो वर्तमान में कैसे आई, तो इसमें पूर्व परता नहीं है ना। चलो पूर्वता भी मान लें अतीत की, वर्तमान उसकी पूर्वता है, पर परता तो है ही नहीं उसमें, तो अतीत के बाद कैसे आई वर्तमान, कैसा फिर अतीत ही कैसा, उसकी पूर्व परता हो तो फिर तो वो तो वर्तमान ही हो गया, पूर्व परता तो वर्तमान की है ना। तो पूर्व पश्चिमताया अभावात् यथा अनागत वर्तमान यो हो, पूर्व पश्चिमता न एवं अतीतस्य, जैसे अनागत में, अनागत और वर्तमान में पूर्व पूर्व पश्चिमता है, पूर्वता और परता है, ऐसे अतीत में नहीं है, माने ये बीच में नहीं आता है, तस्मात न अतीतस्य अस्ति समानांतर, इसलिए अतीत के ठीक बाद आने वाला कोई नहीं होता है।
क्योंकि अतीत का मतलब है कि अब वो शांत हो गया, धर्म बस खत्म ही हो गया, वो अब नहीं आएगा वहां से, इसीलिए तो उसको अतीत कहते हैं। तद अनागत एव समानांतरो भवति वर्तमानस्य, इसलिए ये जो अनागत है ये वर्तमान का ही समानांतर होता है, अव्यवहित पूर्ववर्ती होता है, वर्तमान से के बाद आने वाला नहीं, ठीक पहले आने वाला अनागत। तद अनागत एव समानांतरो भवति वर्तमानस्य, जो अनागत है ये ही वर्तमान का ठीक पहले आने वाला होता है, अव्यवहित पूर्ववर्ती। अथ के अव्यपदेशः, तो बोले भाई ये सारे कह दिए धर्म सामान्य रूप से, अथ व्यपदेशः के, तो कौन से धर्म ऐसे हैं जो नहीं कहे गए हैं अभी, अव्यपदेश हैं, अनागत धर्म हैं जो, तो अनागत धर्म कौन से हैं? तो कह रहे हैं सर्वम सर्वात्मकम इति यथोक्तम, तो अनागत धर्म कौन से हैं? सभी धर्म सब शक्तियों वाले होते हैं, सब शक्तियों वाले मतलब अनागत और अतीत वाले, तो सभी धर्म अनागत वर्तमान अतीत इन तीनों शक्तियों वाले होते हैं। अनागत धर्म कौन से हैं? जो अभी हुआ ही नहीं है, होने वाला है, तो उसमें तो तीनों छिपे हैं ना, अनागत तो वो है ही, वर्तमान में आएगा तो वर्तमानत्व भी है और वर्तमान में उत्पन्न होगा तो अतीत भी है, तो इसलिए कह रहे हैं ये अव्यपदेश धर्म कौन से हैं, अनागत धर्म कौन से हैं? तो कहा सर्वम सर्वात्मकम इति, सभी धर्म सब अवस्था वाले हैं, माने सर्वशक्तिमान होते हैं। यथोक्तम जैसे कि कहा, जल भूभ्यो, भूम्य होना चाहिए, भूम्य होना चाहिए, जल भूम्यो पारिणामिकम रसादि वैश्वरूप्यम स्थावरेषु दृष्टम तथा स्थावराणाम जंगमेषु जंगमानाम स्थावरेषु इति एवं जात्यनुच्छेदेन सर्वं सर्वात्मकम् इति। तो इस विषय में कह रहे हैं जैसे जल भूम्योः, जो जल और पृथ्वी का परिणाम क्या है, रस आदि, तो रस आदि की जो अनेक रूपता है स्थावर पदार्थों में, जल भूम्यो पारिणामिकम रसादि वैश्वरूप्यम, रसादि जो विश्व रूपता है, अनेक रूपता है, ये स्थावरेषु दृष्टम, स्थावरों में देखी जाती है, स्थावर में कितने रूप हैं, कितने रस हैं, माने इनमें वृक्ष आदि में, ये सब क्या है, भूमि और जल के परिणाम ही तो हैं, भूमि और जल के अनागत धर्म ही तो हैं। तो जल और पृथ्वी के जो परिणाम भूत रस आदि हैं, इनकी अनेक रूपता वैश्व रूप्यम, ये स्थावरेषु दृष्टम, ये स्थावर पदार्थों में, अचल पदार्थों में देखी जाती है, और तथा स्थावराणाम जंगमेषु जंगमानाम स्थावरेषु, और कह रहे हैं उसी प्रकार स्थावरों की परिणाम भूता जो विविध रूपता है वो जंगम में देखी जाती है, जंगम पदार्थों में, और जंगम पदार्थों में और जंगमों की परिणाम रूपता या विचित्रता वो स्थावर पदार्थों में दृष्टिगोचर होती है, एवं जात्यनुच्छेदेन सर्वम सर्वात्मकम इति। तो इस प्रकार से धर्मत्व रूप जो जाति है उसका उच्छेद न होने से सर्वम सर्वात्मकम इति, सब सब धर्म वाले हैं, सब धर्म सब में, कौन से धर्म की बात कह रहे हैं, ये तीन वाले धर्म की बात कह रहे हैं, अनागत वर्तमान अतीत, तो चाहे वो स्थावर पदार्थ हैं चाहे जंगम पदार्थ हैं, ये तीन लक्षण सबके साथ जुड़े हैं ना, तो सर्वम सर्वात्मकम, ये अव्यपदेश धर्मों की बात पूछ रहे थे धर्मी की चर्चा करते करते, तो ये कह रहे हैं वर्तमान तो दिखाई देता ही है और वर्तमान के बाद अतीत भी हो जाता है तो वो भी समझ में आता है, पर जो अनागत धर्म है वो कौन से हैं, उनको कैसे जाने? तो ये कह रहे हैं अनागत धर्म वो हैं कि उन सब में सब प्रकार का धर्म विद्यमान है, वो ही अनागत धर्म है, माने जितने भी पदार्थ पैदा होंगे, अनागत मतलब जो अभी वर्तमान में नहीं है, जो पदार्थ इस समय अभिव्यक्त अवस्था में नहीं है उसमें ये तीनों धर्म समाये हुए हैं अनागत में,
तो चाहे वो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि भूमि और जल के संयोग से जो जितने रस या जितने रूप आदि आ गए, तो ये किन का परिणाम है? उन जल और पृथ्वी के अनागत धर्मों का ही ये परिणाम है। तो ऐसे सब में लगा लेना चाहिए, जंगम में भी और स्थावर में भी। एवं जात्यानुच्छेदेन सर्वं सर्वात्मकम् इति देश काल आकार निमित्त संबंधात् न खलु समान कालम् आत्मानम् अभिव्यक्ति रीति। देश काल आकार निमित्त संबंधात् न, इसमें देश काल या आकार के निमित्त से ये संबंध नहीं होता है कि किस देश में इस प्रकार के देश में इस प्रकार की जाति में, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जाति तय इनका उच्छेद नहीं होता है ना, तो सभी पदार्थ सब कार्यों की उत्पन्न शक्ति से संपन्न होते हैं। तो ये हो गया सर्व कार्योत्पादन शक्ति, अव्यपदेश्य अनागत धर्म। जितने भी पदार्थ हैं उनमें ये तीनों धर्म अन्वित हैं, ये कहना चाह रहे हैं, वर्तमान, अनागत और अतीत। तो सब धर्म सर्व, क्योंकि जाति का कहीं भी माने धर्मत्व का कहीं भी ह्रास नहीं होता है ना, धर्मत्व जुड़ा ही होता है ना। तो चित्त है चाहे तो, या अन्य कोई स्थावर पदार्थ है या जंगम पदार्थ है, तो धर्मत्व सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो धर्मत्व का ह्रास न होने से धर्म सबके साथ जुड़ा ही है फिर, क्योंकि धर्म में धर्मत्व होता है। तो सब में सब पदार्थ अन्वित है, जाति का ह्रास न होने से। कौन सी जाति का? धर्मत्व का। थोड़ा सा जटिल है ये, तो इसको अभी आज समय हो गया, एक बार पढ़ के आ जाएं आप, जटिल नहीं है वैसे, तो कल इसको पूरा करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।